इसको स्टार्ट करें जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वैसलाम। अच्छा अली, वेलकम। थैंक यू। 2020 की हार्वेस्ट आ गई है जी, बिल्कुल। और ऑलमोस्ट यू आर द सेकंड क्लाइंट। अच्छा, ओके जी जी। सो लेट अस सी के व्हाट इज न्यू इन दिस हार्वेस्ट। ओके, और वी आर कंसिस्टेंट विद आवर प्रीवियस ईयर क्वालिटी और नॉट ना। अच्छा, ये आयल जो है ना, अभी आर्बेकीना, इसको थोड़ा खींच ले आगे। जी जी, आर्बेकीना ऑयल ये आपके पास आई थिंक कल पहुंचा है ऑयल। कल हमने बस हार्वेस्ट में था, ये फिल्टरिंग में लगा हुआ था जी। नाउ इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। किस टाइप के ऑयल्स आपके पास इस दफा आए हैं? इस दो अभी आर्बेकीना आ गया, कोरेटीना आ गया, ठीक हो गया, तो ये आ गया। सही सही, ठीक है। ये आर्बेकीना है? दिस वन इज आर्बेकीना। अच्छा, कोरेटीना भी नहीं निकाला, वो थोड़ा कैन बड़ा है तो मेरे लिए भी हैंडलिंग का वो है, 30 लीटर्स के कैन है ना, तो उसको थोड़ा सा। तो ये तो मुझे काफी ग्रीन लग रहा है ऑयल। माशाल्लाह, होता ही है कि जब स्टार्ट में निकला होता है ना, अभी ये निकले हुए से चंद ही दिन हुए हैं, फिल्टरिंग में लगा है, तो ये कलर इसका ना इस वक्त एक्सट्रीम ग्रीन है जी। ओके, वेरी हाई क्वालिटी जी, बट लो परसेंटेज इन। अच्छा, आपका मतलब ये कि ये अभी अनफिल्टर्ड है? नहीं, फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड है। अच्छा, ठीक है। इस स्टेज की हार्वेस्ट ना, इसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन बड़ी लेस उस पे निकलती है, यानी परसेंटेज। आपका मतलब ये कि ये अर्ली हार्वेस्ट है? अर्ली हार्वेस्ट है। अच्छा, ग्रीन ऑलिव से जो निकाला जाता है, राइपनिंग की स्टेज में एंटर हुआ, राइपनिंग की स्टेज में, तो ये अब 5% पे तकरीबन निकला। अच्छा, अच्छा, समझ लें कि 20 kg ऑफ फ्रूट से 1 लीटर ऑयल निकला है। अच्छा, 5% का मतलब ये कि 20 kg, या अगर 100 kg हो तो उससे 5 लीटर निकलता है। हाँ, 5 लीटर निकलता। अच्छा, अब बात ये कि अगर ओलिव की ओलिव का रेट 100 रुपीज है जी, ठीक है, तो दैट मीन्स कि सिर्फ फ्रूट की कॉस्ट उसमें 2000 रुपीज है। 2000 रुपीज है, मतलब है, ठीक है, मतलब है अगर हम इसको, तो ये ऑयल ना फ्रेंकली स्पीकिंग ये 4000 रुपए से भी नीचे मार्केट करना ना जी, एग्जैक्टली इज नॉट वायबल, अगर तुम मुझसे एज अ बिजनेसमैन पूछो, ठीक है। तो क्योंकि 100 रुपीज का भी एक किलो हो, हाँ, तो अगर 20 किलो से 1 लीटर निकल रहा है ऑयल, फ्रूट इज, फ्रूट इज वन कंपोनेंट इसकी, फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज की कॉस्ट है, बॉटलिंग है, पैकिंग है जी, मार्केट में जाता है, वेंडर्स के पास जाता है, वेंडर्स का मार्जिन है, ठीक है। सो मुझे ये लग रहा है कि फ्यूचर में ना हम फोर्स्ड होंगे कि इनकी इस ऑयल की ना प्राइसेस को थोड़ा सा ऐसा कम्पिटिटिव कर लें। अभी तो हम ये कि बड़े कम मार्जिन में कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में इंट्रोड्यूस करें वो चीज जिसकी लोगों के एक अवेयरनेस हो जाए कि यार ये क्या चीज है। एंड बिलीव मी, द पीपल हु आर यूजिंग आवर ऑयल, बागे जैतून ऑयल, दे आर विद अस फॉर लास्ट 5 ईयर्स। एंड अभी ये हार्वेस्ट का मैंने जिस जिसको बताया उन सारों ने ना बुकिंग करवा के बैठ गए। नो डाउट, मैं तो 5 ईयर से यूज कर रहा हूँ आपका ऑयल, तो बल्कि पाकिस्तानी ऑयल कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेड ऑयल से ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है। मैं कहता हूँ एनीवन कैन कम, इज वेलकम टू विजिट आवर प्रेमिसेस। मतलब इसका तो कलर ही बता रहा है कि ये कितना प्योर है। आई एम टेलिंग यू, एनीवन इज हु क्लेम्स टू बी इन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वी वेलकम देम टू आवर प्रेमिसेस। पीपल कम एंड एंथुजियास्टिक पीपल, वी सर्व देम विद, यू नो, ओके, नो आई डिस्टिंक्ट माय ऑयल, ओके, लाइक आर्बेकीना इज देयर, कोरेटीना इज देयर, फ्रंटोयो इज देयर, एंड इन नेक्स्ट कंसाइनमेंट विल बी रिसीविंग कोरोनिकी, ओके, सो पीपल कम एंड, ओके, ये जो कोरोनिको है ये आई थिंक इजिप्शियन ऑयल है? नो, कोरोनिकी इज ग्रीक वैरायटी, ग्रीक, ग्रीक, इट्स अ स्वीट ऑयल जी जी, and, अच्छा, एंड वो माइल्ड है, जरा माइल्ड है, द पीपल हु आर ट्यून्ड विद दैट ऑयल जी, ओके, वो फिर कहते हैं यार वो पंजेंट ऑयल को ना, ये नॉर्मली ये जो ऑयल है ये थोड़े से बिटर और पंजेंट होंगे। right. मैं तुम्हें ये फ्रंटोयो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैं तुम्हें ट्राई कराऊंगा, बेहतरीन टेस्ट, वाला टेस्ट, लेकिन ये तुम्हारे गले में लगेगा। अच्छा, लेकिन जब ये जुबान पे होगा ना और ये जो अपना टेस्ट देगा ना, तुम कहोगे यार ये क्या। अच्छा, ये वाला फ्रंटोयो है? ये फ्रंटोयो है, ये वाला है हमारे पास, आर्बेकीना है, आर्बेकीना, कोराटीना अभी मैंने नहीं निकाला जी जी, नेक्स्ट ऑलमोस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा मुझे ग्रीन ग्रीन है, जाहिर है वो है ना, इसको देखो ना, अब इस चम्मच में निकाल के इसको जरा फोकस कर लो, ये देखो इसको, ठीक है, इसको कलर देखो, बहुत ही इसका डार्क ग्रीन किस्म का टेक्सचर है, डार्क ग्रीन कलर जी, ठीक है ना जी,
अच्छा, अरबिकिना और ये जो फ्रंटोया, इसमें टेस्ट में क्या डिफरेंस है? अरबिकिना थोड़ा माइल्ड होता है आई थिंक। अरबिकीना माइल्ड नहीं होता। अगर तुम इसे स्मेल करोगे ना, जी ठीक है, तो तुम्हें ये स्मेल में ही अपना एक स्मेल में भी फर्क बता देगा, जी और जब तुम इसे टेस्ट करोगे जी तो तुम जब इसके बाद कोराटीना को टेस्ट करोगे या फ्रंटोयो को टेस्ट करोगे ना, जी तो तुम्हें एक टेस्ट याद रह जाएगा कि यार ये अरबिकीना का टेस्ट है, राइट ठीक है। तो तुम जब उसको यूज करते रहोगे तो तुम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एक तुम्हें वैसे पकड़ा देगा ना और आयल, जी और तुम उसको टेस्ट करोगे, तुम एक पोजिशन में होगे बताने की कि यार ये अरबिकीना अब है, बिकना है या नहीं है, अरबिकीना है, मतलब ठीक इसका है। एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है। इसका डिस्टिंक्ट अरोमा है और जी टेस्ट है, लास्ट ठीक ईयर है। भी मैंने ये आपसे लिया था हाँ, तो तुमने काफी मुझे काफी पसंद आया पसंद था। किया था ना, तो मैंने इसीलिए तुम्हें अभी बुलाया कि मैंने कहा चलो आओ, जी अरबिकीना आ गया, जी दो जरा और शुड आई इसका, टेस्ट इट? या आई थिंक यू शुड फर्स्ट स्मेल इट, जी ओके, ठीक है ना। बिल्कुल। इसकी बहुत ज्यादा अलीवी किस्म का वो है इसका, हाँ तो इसको मैं टेस्ट करूं? हाँ इसको टेस्ट कर लो। सही, जबरदस्त। अच्छा, इसकी भी पेपरी फिनिश है, पेपरी है ना, पंजेंट है ये भी, पंजेंट है, ठीक है ना। जो कि शो कर रहा है कि ये अर्ली हार्वेस्ट है। ये अर्ली हार्वेस्ट है, इसको जरा पकड़ो, मैं भी ये हो गया कि अभी तुम वैसे भी लास्ट ईयर के जो अरबिकीना है, और इसमें कोई तुम्हें अगर कोई रिमेम्बरेंस हो कि यार जी मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है, वो वो थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ना, टेक्सचर में था हाँ गोल्डन टेक्सचर में था, और और वो थोड़ा थोड़ा सा स्वीट साइड पे ना था। अरबिकीना और कोराटीना मिक्स था, बट दिस अच्छा, वन इज प्योर प्योर आर्बिकिना। अरबिकीना, अच्छा, ठीक इस है ना। उसका थोड़ा टेस्ट भी माइल्ड था और उसकी थोड़ा टेक्सचर जो था वो गोल्डन साइड पे था, ठीक है, ये थोड़ा ग्रीन है। ठीक है। तो तुम इसको जरा सा वो करो, अपनी कमेंट्स दो, मैं तुम्हें इसको फिल करता हूँ। राइट।